दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि MCB, MCCB, ELCB, RCCB, RCD, RCBO, MPCB और आइसोलेटर क्या होता है, इन सभी का फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करता है और कहां पे हमें कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर केवल एक प्रकार का स्विच होता है। आपके घर में जो बल्ब को चालू और बंद करने के लिए स्विच इस्तेमाल करते हो ना, वही स्विच आपका आइसोलेटर होता है। उस स्विच को आप चाहो तो आइसोलेटर भी कह सकते हो। आइसोलेटर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। केवल काम इसका यही होता है कि पावर सप्लाई को चालू करे और बंद करे। ओके, सेकेंड डिवाइस हमारा है MCB। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का इस्तेमाल आपके घर में भी किया गया होगा। यदि आप देखोगे आपके घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो वहां पे लगा होता है। अब ये जो MCB है, इस MCB का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं एक बार समझिए। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है उस पावर सप्लाई में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं। उन सभी फॉल्ट में से दो फॉल्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला होता है ओवरलोड और सेकंड होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये जो दोनों फॉल्ट है, इन्हीं दोनों फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम MCB का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो MCB होता है और जो आइसोलेटर होता है, ये दोनों के दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। जो आपका MCB उसी के जैसे ही आपका आइसोलेटर भी होता है। वैसे तो आइसोलेटर आपको बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन जो MCB टाइप का आइसोलेटर होता है वो सेम टू सेम MCB के जैसे ही दिखता है। यदि आप मार्केट में बाय करने जाते हो MCB, तो दुकानदार क्या करता है कि आपको सस्ते में बेचने के चक्कर में आपको MCB की जगह आइसोलेटर भी प्रोवाइड कर देता है। और यदि आप आइसोलेटर को आपके घर में लगा दोगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि MCB का सिंबल क्या होता है और आइसोलेटर का सिंबल क्या होता है। आप जब भी कभी MCB को बाय करने जाओ तो उस समय MCB के ऊपर में जो सिंबल बना होता है उसको देख लीजिएगा कि वो MCB है कि नहीं है। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है MCCB। MCCB का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। लेकिन दोस्तों जो MCB होता है, उस MCB को यदि आप बाय करने जाओगे तो आपको MCB केवल 63 एम्पियर तक मिलेगा। अभी के टाइम पे आपको 100 एम्पियर का भी MCB मिल जाएगा, लेकिन पहले के टाइम पे 63 एम्पियर तक का ही MCB मिलता था। अब यदि आपको इससे ज्यादा रेटिंग वाली प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में आपको MCCB बाय करना पड़ेगा। MCCB जो होता है वो भी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो MCB आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा, सेम टू सेम आपका जो MCCB है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा। वैसे तो जो MCCB होता है वो आपको मार्केट में 1000 एम्पियर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे यदि आप बाय करने जाते हो तो आपको उससे ज्यादा रेटिंग वाला भी MCCB मिल जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो MCCB को 1000 से भी ज्यादा रेटिंग वाली बना रही है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है ये है RCCB। RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। RCCB जो होता है इसको आपको कंपलसरी आपके घर में लगाना चाहिए। इसको क्यों हमारे घर में लगाना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि आपके घर में या फिर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें आपने RCCB को कनेक्ट करके रखे हो और उस कंडीशन में यदि आप जाके फेस सप्लाई को भी पकड़ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका RCCB है, RCCB आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके घर में RCCB का इस्तेमाल करना चाहिए। RCCB का काम केवल इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। यदि आप RCCB के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है ELCB। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका काम भी RCCB के जैसे ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से आपको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि RCCB जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है और ELCB भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। देखिए दोस्तों, जो RCCB और ELCB है, इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस बताता हूँ, आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं RCCB के बारे में। जो हमारा RCCB होता है वो करंट पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस है, और RCCB का यदि हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमें केवल फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो ELCB होता है, ELCB हमारा वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस है,
और ELCB का जब हम कनेक्शन करने जाएंगे तो उसमें हमें फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग वाले वायर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल के टाइम पे केवल ये समझिए कि RCCB और ELCB दोनों एक प्रकार का डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक या फिर अर्थ फॉल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी के टाइम पे यदि आप मार्केट में ELCB को बाई करने जाओगे तो आपको शायद ना मिले। अभी के टाइम पे आपको केवल मार्केट में RCCB मिलेगा जो कि ELCB से ज्यादा सेंसिटिव होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप आपके घर के लिए RCCB को लगाने जाती हो तो उस कंडीशन में जो आपका RCCB है उसका जो लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट वाली RCCB हमें क्यों बाय करना चाहिए, यदि आप पूरा समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में है RCBO। RCBO का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि RCBO क्या काम करता है। चलिए मैं आपको पूरा चीजें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा MCB है, MCB हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो RCCB होता है, RCCB हमें अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे यदि हमें अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें यहाँ पे MCB और RCCB दो डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको दो अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल ना करना पड़े, केवल एक डिवाइस के द्वारा आपको ये तीनों प्रोटेक्शन मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको RCBO को बाई करना पड़ता है। तो जो RCBO होता है इसके द्वारा हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, ये जो RCBO है इसको हम RCD के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि जो RCBO है और जो RCD है ये दो अलग अलग डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो RCBO है इसको ही हम RCD भी कहते हैं। ओके, अब इसके बारे में जो हमारे पास में आखिरी डिवाइस है ये है MPCB। MPCB का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मोटर के प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि इसके द्वारा हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। MPCB जो होता है वो आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, साथ ही साथ में फेस लॉस का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिवाइस हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और वो डिवाइस हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।